नमस्कार जी दोस्तों, मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, एक बहुत ही बड़ी खबर मेरे हाथ दोबारा लगी थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से जारी विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी मिल पाई है कि क्या 15 और 16 जुलाई तक बोर्ड के परीक्षा परिणाम उपलब्ध हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 15 और 16 जुलाई यानी अधिकतम 16 जुलाई। वैसे बोर्ड प्रयास में है कि 15 जुलाई को वो परीक्षा परिणाम जारी कर दे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये मतलब बताता चलूं कि ये पहली बार हो रहा है माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में, चाहे वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश बोर्ड हो या विभिन्न अन्य भी कई सारे स्टेट बोर्ड हैं, जिनके इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो बिना परीक्षाओं के अपने बच्चों को पास कर रहे हैं। दोस्तों, इस बार लगभग 26 लाख परीक्षार्थी जो कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने जा रहे थे और 29 लाख की संख्या लगभग थी जो कि हाई स्कूल परीक्षा में बैठने वाले थे, दोनों परीक्षाओं को कोरोना महामारी की वजह से निरस्त कर दिया गया था। ये निर्णय CBSE को देखते हुए यूपी बोर्ड ने लिया था और यूपी बोर्ड ने पहले तो निर्धारित किया था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन बाद में कोरोना की विभीषिका और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि नहीं, परीक्षाओं को निरस्त करके बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। इस प्रमोशन के लिए उसने नियम भी बनाया था कि हाई स्कूल के 50% नंबर लिए जाएंगे और 11th की जो फाइनल परीक्षा हुई होगी उससे 40% नंबर लिए जाएंगे और कक्षा 12 की जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई होगी उससे 10% लिए जाएंगे, यानी 50, 40 और 10 मिला के 100% में रिजल्ट जारी किया जाएगा। जबकि वहीं हाई स्कूल में कक्षा 9 से यानी 9th से जो फाइनल एग्जाम हुआ था उसका 50% नंबर और क्लास 10th का जो प्री बोर्ड हुआ था उसके 50% नंबर यानी 100% में रिजल्ट जारी करने की बात की गई थी। तो दोस्तों, जो अभी करंट की बैठक हुई उस बैठक में बोर्ड के जो सभापति भी हैं और उसके डायरेक्टर यानी निदेशक भी हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के आदरणीय श्री विनय कुमार पांडे जी ने, उन्होंने बताया है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो बोर्ड परीक्षा जो इस वर्ष निरस्त हुई थी, जो बच्चों को प्रमोट किया जाना था, उनके परिणाम 15 अथवा 16 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, बोर्ड के माननीय निदेशक ने यह सूचना दी है। आदरणीय श्री विनय कुमार पांडे जी के हवाले से न्यूज आई है कि परीक्षा परिणाम 15 अथवा 16 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। दोस्तों, साथ साथ बता चले कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री माध्यमिक शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा ने इंटरमीडिएट की परीक्षाओं और यूपी बोर्ड की जो हाई स्कूल की परीक्षाएं दोनों को निरस्त करने के बाद जुलाई के दूसरे सप्ताह में परीक्षा परिणाम आने की बात कही थी। वर्तमान में, जैसा कि मैं फिर से बताऊं कि लगभग 29 लाख परीक्षार्थी हाई स्कूल में और 26 लाख परीक्षार्थी इंटरमीडिएट में जिनके भाग्य का फैसला होना है दोस्तों, तो ये रिजल्ट 15 अथवा 16 जुलाई को आ रहे हैं। तो दिल की धड़कनें थोड़ी सी तेज होती हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात का विश्वास जरूर है और जैसा कि शासन ने भी समय समय पर कहा था कि जो अच्छे योग्य विद्यार्थी हैं उनकी योग्यता का ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ एक मुहावरा है, सबको एक ही लाठी से हांकना, तो सरकार इससे बचना चाहती है। सरकार ने स्पष्ट कहा था कि जिन बच्चों की योग्यता जैसी होगी उन बच्चों की योग्यता का ख्याल रखते हुए ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इंतजार करते हैं 15 और 16 जुलाई का। आप सभी के लिए मैं एज अ टीचर, एज अ मेंटर, एज अ फैमिली मेंबर रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, बहुत सारा स्नेह प्रदर्शित करता हूँ कि आप लोग अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और केवल उत्तीर्ण ही न हों अपितु आगे भी अपने भविष्य निर्धारण को लेकर के पहले से ज्यादा सजग होकर के कदम बढ़ाएं, क्योंकि यह जो परीक्षा का परिणाम है यह ठहराव नहीं है, यह एक कारण हो सकता है रुकने का, कुछ क्षण, यह कुछ क्षण का विश्राम लेने का अवसर है, लेकिन उसके तुरंत बाद आगे की लंबी लड़ाई के लिए हम सभी को तैयार होना है। दोस्तों, जहां कहीं जिस तरह की भी समस्या आती है आप हमारे साथ संपर्क करने का प्रयास करें, मैं आपके साथ 24x7 लगा हुआ हूं। जहां कहीं भी दिक्कत होती है प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमारे व्हाट्सएप पे बताइए, हम आपसे संपर्क में बने रहेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो भी आगे आने वाले बच्चे हैं जो इस वर्ष कक्षा 12 में आ रहे हैं
उनके लिए संपूर्ण कोर्स मटेरियल हिंदी का हमने अपने चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। जो नहीं उपलब्ध है विद इन टाइम वो उपलब्ध हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपना स्नेह मुझ पर इसी प्रकार बनाए रहें। चलते चलते एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हाई स्कूल के लगभग 29 लाख और इंटरमीडिएट के लगभग 26 लाख परीक्षार्थियों के भाग्य का फैसला अगले 15 अथवा 16 जुलाई को आ जाएगा। निश्चित रूप से आप सभी इस परीक्षा परिणाम को पाकर संतुष्ट होंगे। जो संतुष्ट नहीं होगा वह पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। संभावित तिथियां इसके लिए हैं कि अगस्त में पुनः इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ताकि अगर आप अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं तो अंक सुधार के लिए दोबारा परीक्षा में बैठ सकें। तो ठीक है दोस्तों, 15 और 16 जुलाई का इंतजार करते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारे मंगल आशीर्वाद के साथ। मैं रविकांत त्रिपाठी जनपद देवरिया से, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।